हेलो हेलो ऑल माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू वेदांत यंग वंडर्स। दिस इज अमित रोला, योर मास्टर टीचर फॉर इंग्लिश। एंड कैसे हैं मेरे रॉक स्टार्स? सो बेटा, वेलकम बैक टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3। दैट इज करेक्ट, माय सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 के बच्चों, वेलकम टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का थर्ड वीडियो। बेटा 1 और 2 हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टेंसेस मतलब कि हाउ टू कन्वर्ट इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट को कन्वर्ट, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, यू नो, ऑर्डर और रिक्वेस्ट और कमांड। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये फाइनल पार्ट है। टुडे अमित सर विल टीच यू कि सर व्हाट टू डू अगर दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए। देखो बेटा, हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, डिस्को करना है। सर व्हाट इफ दो दो ऑब्जेक्ट कम्स, वो बताएंगे। एंड फाइनली मॉडल्स को आपको बताएंगे, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, शैल, माइट, इन सब के बारे में। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मेरे पिछली बार के होमवर्क सुपरस्टार्स माई लोहित, श्रेयस, मयंक, अंकित, शुभश्री, तनुश्री, खुशाली एंड दिव्य ज्योति, बेटा बिग बिग हाई फाइव एंड थैंक यू सो मच। आज का दिन भी देर इज होमवर्क एट द एंड ऑफ द सेशन, प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। होमवर्क डेफिनेटली ले लो, कमेंट सेक्शन में करके छोड़ देना आफ्टर माय वीडियो। आई विल लाइक द योर चेक योर होमवर्क, लाइक इट एंड टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट लाइव वीडियो। चलो बेटा, दिस इज माय नेम, दिस इज माय एंटायर प्रोफाइल एंड रिमेंबर व्हाट अमित सर सेज। अभी जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तुम हो मेरे रीडर, राइटर और एक अचीवर। ओके बेटा, अमित सर के साथ जुड़े रहना इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और ईमेल पे। दैट आई ऑलवेज टेल यू, आई विल बी शेयरिंग माई सेशन PDF, lots of reference material, reading material and practice material on all my social media handles. Okay, beta, ye ek premiere video hai. That means, jab ye video premiere hoga, mere description box of the video mein V-Quiz ka ek link aa jayega. Call your friends, play the V-Quiz definitely. And meko comment section mein score batana and Instagram pe uska screenshot tag karna, meko tag karna, I will repost it in my story. Chalo, so what are we waiting for? Jaldi jaldi shuru karte hain, leke prabhu ka naam, sare ke sare bache like button dabayenge. Beta, hit the subscribe button, hit the bell icon and please share with your friends, call your friends. Let's get started. देखो तो बेटा, पैसिव वॉइस में अभी क्या करते हैं अगर दो दो ऑब्जेक्ट हो तो पहली बात तो बेटा प्लीज रिमेंबर, टिपिकल सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट कर रहा है एक्शन। बेटा पैसिव वॉइस में आपको अमित सर ने सिखाया क्या करते हो, क्या करते हो, डिस्को। ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, इधर से और उधर से बोले तो डिस्को। एंड बेटा वर्ब का V3 लग जाता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड हमेशा यहाँ पे बाय लगता है, इतना याद रख लो यार बस। ठीक है, सो नाउ लेट अस बिगिन। तो सर दो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं? बेटा दो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास एक्शन आ रहा है। तो सब्जेक्ट इज द डूअर, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। चलो तो बेटा अभी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई सेंट अ पिक्चर टू माई फ्रेंड्स। तो बेटा यहाँ पे आई इज योर सब्जेक्ट का है, क्योंकि एक्शन कर रहा है। सेंट इज योर वर्ब, एक्शन है। बेटा अ पिक्चर इज योर ऑब्जेक्ट वन, टू फ्रेंड्स इज ऑब्जेक्ट टू। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा देखो जनरली टू होएगा, ठीक है, विच इज टू गिव, लेंड, ऑफर, पास, प्रॉमिस, सेंड, शो, टेल। अच्छा, फिर किसी के लिए फॉर होगा, मतलब आप कोई तो चीज करोगे किसी के लिए। ठीक है, सो ब्रिंग, बाय, कुक, फाइंड, गेट, मेक, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। चलो तो बेटा जब भी दो आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, तो बेटा सुन लो, पहले बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट। ठीक है, अभी देख लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, अभी आपके पास दो दो ऑब्जेक्ट है। सर दो दो ऑब्जेक्ट का क्या करें? अरे बनाओ ना सब्जेक्ट, हम आपको ऑर्डर बतावत है। ठीक है, एंड रिटेन द डायरेक्ट पोजिशन इन द ऑब्जेक्ट पोजिशन। बट पीपल, ये भी रूल इज एक्चुअली वेरी बेसिक, क्योंकि कुछ भी चल सकता है, आपको बताते हैं। सुनो देखो, तो बेटा एक्टिव सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उसके आगे V3 लगाओ, बेटा वर्ब विल बिकम V3, उसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखो प्लस बाय। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आएगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो वापस से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, उसके आगे V3 और बाय, उसके आगे आपका वो दूसरा ऑब्जेक्ट को एज इट इज लगाओ एंड सब्जेक्ट लगाओ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, डोंट गेट कंफ्यूज. द सेल्समैन शोड हिम अ न्यू कंप्यूटर. तो बेटा देखो यहां पे ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, शोड इज योर वर्ब. नाउ हिम इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, न्यू कंप्यूटर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी अमित सर ने क्या बोला आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लगाओ एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बीच में लगाओ एंड सब्जेक्ट को लास्ट में लगाओ. सो पीपल, सो ही, बेटा हिम तो नहीं होगा ना, ही बन जाएगा ना, वॉज शोन. तो बेटा वॉज का है क्योंकि इट इज पास्ट टेंस, द सेल्समैन शोड ना वॉज. अच्छा शोन बोले तो V3 वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल, याद है ना, अ न्यू कंप्यूटर. तो बेटा ये एज इट इज यहां पे आया बाय द सेल्समैन. आप समझ रहे हो, हमने डिस्को किया, V3 लगाया, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उधर ही रहने दिया और सब्जेक्ट लगा दिया. ठीक है चलो पीपल, अमित सर टीचेस अस इंग्लिश. अभी इसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन. सर पहले हम अस लगाए कि पहले हम इंग्लिश लगाए, सब्जेक्ट में कहा लगाए? अमित सर तो वापस पीछे आएंगे, अमित सर पिछवाड़े में खड़े रहेंगे, है ना. तो बेटा अमित सर आपको वही बता रहे हैं, दोनों कर मंजूर है. वी आर, आर क्यू, बिकॉज बेटा प्रेजेंट टेंस है, टीचर्स ना, आर टॉट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, वी आर टॉट इंग्लिश बाय अमित सर. या तो ये भी चलेगा, रे इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय अमित सर, चलेगा. समझ रहे हो. तो बेटा जो दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, एक ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा और सब्जेक्ट तो पीछे जाएगा ही. दैट्स ऑल. देख लो, द प्रोफेसर सब्जेक्ट के वर्ब द बुक्स, तो दिस इज ऑब्जेक्ट 1, टू द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट 2. समझ रहे हो. तो बेटा एक ऑब्जेक्ट को आपको आगे लाना है, एक ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा, सब्जेक्ट पीछे रहेगा, बाय लगेगा, V3 लगेगा. आ रहा है समझ में, बनाओ सेंटेंस. तो देखो पीपल, ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बिकम अ सब्जेक्ट. अभी बुक्स या स्टूडेंट्स, पीपल बुक्स या तो स्टूडेंट्स, कुछ भी लगा लो. तो लगा लेते हैं सर, द बुक्स वर, बेटा वर क्यों, क्योंकि बुक्स प्लूरल है, गिवन V3 टू द स्टूडेंट्स बाय द प्रोफेसर, या द स्टूडेंट्स वर गिवन, तो बेटा वर क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, द बुक्स बाय द प्रोफेसर, कुछ भी चलेगा. सो इट इज कंप्लीटली ओके. एक ऑब्जेक्ट को आगे लाना बेटा, इसमें टेंसेस का रूल मत भूलना, इसमें V3 का कॉन्सेप्ट मत भूलना, बाय लगा देना, दैट्स ऑल. बस खत्म करते हैं, अभी शुरू करते हैं सॉल्व करना. पीपल डन डन डन. ही गेव मी ऑब्जेक्ट 1 अ पर्स ऑब्जेक्ट 2. बनाओ भाई दो प्रकार के सेंटेंसेस. वापस से आपको रूल्स फॉलो करने हैं, टेंस नहीं चेंज करना है. बी वेरी केयरफुल, पॉज करो वीडियो को, राइट डाउन बोथ द आंसर्स, अनपॉज द वीडियो एंड देन चेक द आंसर्स. ठीक है. तो बेटा आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है. अमित सर विल वेट. वेट मतलब क्या, पॉज करके लिखो. आई एम शोइंग द आंसर इन 3, in 2, in 1. तो बेटा दो दो कंस्ट्रक्शन है. ठीक है देखो, पहले पर्स को ले आते हैं. अ पर्स वॉज, वॉज क्योंकि गेव है बेटा पास्ट टेंस, गिवन टू मी बाय हिम. और आई, क्योंकि पहले मैं खुद को रखूंगा सर, मी है ना, आई वॉज गिवन अ पर्स बाय हिम. सो बेसिकली सब्जेक्ट एंड में ही आना है, वो याद रख लो. चलो अगला, वी लेंट बॉब ऑब्जेक्ट 1 सम मनी ऑब्जेक्ट 2. तो बनाओ फिर से सेंटेंस, दो प्रकार से लिखना है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है, किसी को भी आगे ले आओ, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा. पॉज करो वीडियो को, सोचो बट बेटा लिखो, राइट डाउन. आई वॉन्ट एवरी वन टू स्पैम द आंसर इन द लाइव चैट, गिव मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. बेटा पार्टिसिपेट करो एंड देन अनपॉज करके वीडियो को देखना. ठीक है, दिखा दे आंसर. आई एम शोइंग द आंसर इन 3, in 2, in 1. देख लो पीपल, बॉबी वॉज लेंट, बेटा लेंट, सुनो सुनो, लेंट का V3 लेंट ही रहता है, सम मनी बाय अस, या तो सम मनी, सम मनी वॉज लेंट टू बॉब बाय अस. ठीक है, सो मच फन है, डन हो गया. तो अभी आपके पास दो ऑब्जेक्ट के रूल्स आ गए. लास्ट रूल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, सो मॉडल्स का क्या करें बेटा, बहुत ईजी है. देखो ना, मॉडल्स मतलब के दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मतलब के बेटा हेल्पिंग वर्ब्स, दे हेल्प द मेन वर्ब. सो मॉडल्स मतलब के कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल, मस्ट. मॉडल्स ड्रामा बनाते हैं, मॉडल्स हमेशा पावर दिखाते हैं. मॉडल जैसे कि अबिलिटी, करना ना करना, पॉसिबिलिटी, हाँ, इंटेंशन, या तो प्रेसिसिटी. सो पीपल बहुत आसान है. देखो बेटा
पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस मोडल, आई कैन डू दिस, यू कैन गो देयर, यू मे गो देयर। तो बेटा उसको कैसे करोगे? पहले तो डिस्को करोगे, ऑब्जेक्ट को इधर से इधर लाओगे, सब्जेक्ट को इधर से इधर लाओगे, V3 लगाओगे, बाय लगाओगे। अरे बेटा मॉडल वहीं का वहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल रहेगा, सेम टू सेम, दैट्स द बेस्ट पार्ट। चलो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, यू कैन नॉट, मे नॉट, शुड नॉट। हाँ तो सेम है ना, ऑब्जेक्ट को इधर लगाओ, सब्जेक्ट को उधर लगाओ, V3 लगाओ, बाय लगाओ, मॉडल और नॉट को उधर ही रहना है, कुछ नहीं हिलना है। पहले मॉडल सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, अब मॉडल ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, सेम टू सेम। इंटरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क। मॉडल तो बेटा अभी कैसे सवाल सेंटेंस रहेगा? कैन यू हेल्प मी, मे यू गो देयर, ठीक है? तो मॉडल पहले पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 मतलब द वर्ब। हाँ तो मॉडल तभी भी पहले ही रहेगा। कैन यू गो देयर मतलब, सॉरी, कैन यू हेल्प मी मतलब कैन यू बी हेल्प्ड बाई मी, ऐसे करके। तो मॉडल वही रहेगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, डोंट फॉरगेट दिस। आपका मॉडल ही शुरुआत करेगा, मॉडल का पोजिशन विल नॉट चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल चेंज, लेकिन उसके पहले बी आएगा, V3 प्लस बाय। बेटा ये कंस्ट्रक्शन मत भूलना, अमित सर इज राइटिंग दिस, ये मत भूलना, बी V3 प्लस बाय। चलो पीपल एग्जाम्पल्स, आई कैन बेक अ केक। सो बेटा इसका कैसे रहेगा? अ केक कैन बी बेक्ड बाय मी, बी बहुत जरूरी है, बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कैन ही ड्राइव अ कार। तो बेटा देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे आना है, लेकिन बी प्लस V3 प्लस बाय करना है ना? सो पीपल कैन अ कार बी ड्रिवन V3 बाय हिम, समझ रहे हो? पीपल जस्ट रिमेंबर अमित सर का मैजिक फॉर्मूला, मॉडल का पोजिशन चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, बी V3 बाय। देख लो, ही माइट नॉट विन अ प्राइज। तो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है? अ प्राइज इज योर ऑब्जेक्ट, सो पीपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, मॉडल वैसे का वैसे ही रहेगा। अ प्राइज माइट नॉट B1 V3 बाय हिम, सेम टू सेम है, ठीक है? चलो यू ऑट टू क्लीन द रूम, तो ऑट टू इज अ मॉडल वर्ब, करो इंटरचेंज, मॉडल को वहीं पे लगाओ, बी लगाओ। सो द दिस रूम, सॉरी द रूम या दिस रूम, जो भी है, जो भी है, सेम टू सेम रहेगा, ऑट टू बी क्लीन V3 बाय यू, दैट्स ऑल पीपल, इट इज सो इजी। इसीलिए अमित सर ने इसको स्प्लिट किया ताकि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए और उसको पार्ट्स में पढ़ सके। अभी तोड़ दे मेरे सारे बच्चे कमान। शी माइट फिनिश द टास्क, तो बेटा सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, ये आपका वर्ब है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, तो बेटा बी लगाना है, V3 लगाना है, बाय लगाना है और द टास्क। तो बता दिया आपको आपका अमित सर ने, पॉज करो वीडियो को, लाइव चैट में टाइप करो आंसर, गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज पार्टिसिपेट, एंड देन अनपॉज द वीडियो एंड चेक द आंसर, ठीक है? आई एम शोइंग द आंसर इन 3, इन 2, इन 1 पीपल। तो द टास्क मतलब ये इधर आ गया, माइट बी, माइट एज इट इज ही रहेगा, फिनिश्ड V3 बाय हर। चलो पीपल, शुड आई बाय दिस क्लॉक? पीपल दिस इज इंटरोगेटिव, सो मॉडल वर्ब इधर है, वो वहां पे हटेगा नहीं, वो एज इट इज ही रहेगा। आई इज योर सब्जेक्ट, क्लॉक इज योर ऑब्जेक्ट, सो पीपल ऑब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट एंड में, बीच में रिमेंबर बी प्लस V3 प्लस बाय लगाओ यार, इजी पीजी है, ठीक है? V3 ऑफ द फॉर्मेट, कम ऑन, सो पॉज इट, राइट इट एंड अनपॉज द वीडियो, आई एम शोइंग द आंसर इन 3, इन 2, इन 1 पीपल। शुड दिस क्लॉक बी बॉट, तो बेटा बाय का पास, V3 इज बॉट बाय मी। चलो पीपल, ही मे नॉट बाय अ कार, तोड़ दो यार, बहुत सिंपल है, फुल स्पीड में, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, दिखा दे आंसर। मॉडल का पोजीशन चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, बी प्लस V3 प्लस बाय, अमित सर का मैजिक फॉर्मूला, आई एम शोइंग द आंसर इन 3, इन 2, इन 1 पीपल। अ कार मे नॉट बी, मे नॉट बी बॉट, V3 बाय हिम, दैट्स ऑल। सो पीपल इजी पीजी है। इसी के साथ होमवर्क के सवाल, सारे के सारे बच्चे 1, 2, 3, 4 के होमवर्क्स का वॉइस चेंज करेंगे, विल गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक योर नेम इन माय नेक्स्ट लाइव वीडियो एंड आई विल चेक इट। बेटा होमवर्क जरूर कर देना, ठीक है?
इसी के साथ पीपल डन 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 अमित सर के साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना, फॉलो मी, बेटा टेलीग्राम पे मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करना इफ यू वांट फ्री का मटेरियल एंड सेशन पीडीएफ, अपने डाउट्स लिख देना एंड ईमेल कर देना। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग। जाने से पहले बेटा लाइक करके जाना प्लीज, शो योर सपोर्ट टू अमित सर, सब्सक्राइब का घंटी बजा देना, द बेल आइकन, एंड डेफिनेटली शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। कॉमेंट सेक्शन में होमवर्क कर देना, लेट मी ऑल्सो नो आर यू एंजॉइंग माई वीडियोज, आपको और कौन से वीडियोज चाहिए, अमित सर विल डेफिनेटली क्रिएट एंड कैन। Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir, signing off.